हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GS Academy पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उड़ीसा के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये महाराष्ट्र का मैंने फिगर बना लिया है, कुछ इस तरह से उसका नक्शा है। यहाँ पर है नागपुर, वर्धा, यहाँ मुंबई है समुद्र के किनारे, खंडाला वगैरह हैं। तो नागपुर जो है, नागपुर में एयर के मेंटेनेंस कमांड का हेड ऑफिस है। नागपुर में पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है भारत का। और नागपुर एरिया जो है, ये भारत के सेंटर में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत के सेंटर में आता है नागपुर, इसलिए इसे भारत का ज़ीरो माइल स्टेशन कहा जाता है। ज़ीरो माइल स्टेशन यानी कि जहाँ से भारत की दूरी ज़ीरो हो, यहीं से मतलब स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट यही है, कहीं भी इसका मतलब डिस्टेंस मापने के लिए किसी भी जगह का ज़ीरो माइल स्टेशन यहाँ पर है नागपुर में। वर्धा है एक जगह, वर्धा में सेवाग्राम आश्रम है जिसकी स्थापना गांधी जी ने किया था। मुंबई के बारे में देखते हैं, मुंबई बहुत ही फेमस सिटी है भारत का। यह सात टापुओं का शहर कहा जाता है इसको, क्योंकि यह छोटे छोटे सात टापुओं पर बसा हुआ है समुद्र के किनारे। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला शहर है ये। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाज़ार, भारत का सेंसेक्स वगैरह सब यहीं पर है। पुणे, पुणे टू मुंबई टू पुणे एक्सप्रेस वे, ये भारत का पहला बेस्ट एक्सप्रेस वे था। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA यहाँ पुणे में है, और पुणे में मौसम अनुसंधान केंद्र है। रत्नागिरी में अल्फांसो आम फेमस है रत्नागिरी का, जिससे माजा वगैरह बनता है। यहाँ इसका अल्फांसो आम का GI टैग मिला है इसको सन 2004 में। महाबलेश्वर ये पूर्वी नहीं पश्चिमी घाट की चोटी है, यह एक पर्यटन स्थल है। यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कोल्हापुर का चप्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे यहाँ का GI टैग मिला है। ठाणे, पहली ट्रेन मुंबई टू ठाणे चली थी 1853 में, और पहली विद्युतीय ट्रेन मुंबई टू कुर्ला चली थी। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ मुंबई है। मुंबई से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण दर्रा हैं महाराष्ट्र में। मुंबई से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि ठाणे की तरफ, तो थालघाट दर्रा है। और मुंबई से नीचे की तरफ जाएंगे यानी पुणे की तरफ, तो भोरघाट दर्रा है। अब आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। यहाँ पर मैंने फिर फिगर बनाया हुआ है, यहाँ की कुछ जगह हैं। भुसावल है, बुढ़ाना है, सिरणी है, दौलताबाद है, औरंगाबाद है, एलोरा है, अजंता है, तारापुर है, नासिक वगैरह है। तो नासिक जो है, यहाँ पर प्याज और अंगूर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये प्याज और अंगूर के उत्पादन के लिए फेमस है। औरंगाबाद में औरंगजेब ने मकबरा बनवाया है, जिसे बीवी का मकबरा कहते हैं। इसे ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं बना, ताजमहल की कॉपी करके बनाया गया है। एलोरा में एलोरा की गुफाएं हैं, जो बौद्ध और जैन धार्मिक स्थल से संबंधित हैं। अजंता में भी अजंता की गुफा है, जो बौद्ध स्मारक और जैन स्मारक के लिए फेमस है। दौलताबाद, जिसका पुराना नाम देवगिरी था, दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाया था, जो कि सफल नहीं हुआ था। भुसावल का केला बहुत फेमस है। बुलढाणा में, महाराष्ट्र का एक बुलढाणा ज़िला है, जहाँ पर लोनार झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील उसे कहते हैं जो उल्का पिंड के गिरने से बनता है, और ये जो महाराष्ट्र का लोनार झील है, यह उल्का पिंड के गिरने से बना है। तारापुर में भारत का पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया था 1972 में USA की मदद से। मुंबई में एक जगह ट्रांबे है, ट्रांबे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो कि होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अब हम लोग भौतिक रूप से कुछ पॉइंट देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ये महाराष्ट्र का फिगर है, यहाँ पर है अजंता पर्वत श्रेणियाँ, और यहाँ से ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है महाराष्ट्र में। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ और ताप्ती नदी के बीच का जो एरिया, इसे खानदेश कहते हैं। और यहाँ पर है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी एकमात्र ऐसी पहाड़ी श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में सीमित है। बाकी के जितने भी आप लोग देखेंगे, सतपुड़ा हो गया, ये मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा हो गया है, मतलब ऐसे ही पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो एक ही राज्य में सीमित नहीं, लेकिन अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र में ही स्थित है।
इधर हमारा है पश्चिमी घाट पर्वत है, इधर साइड पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची दो प्रमुख चोटियां हैं कलसुबाई और महाबलेश्वर। कलसुबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर और महाबलेश्वर की ऊंचाई है 1438 मीटर। महाराष्ट्र के इस तट को कोंकण तट कहते हैं। अब हम लोग यहीं पे छोटा सा राज्य है गोवा को भी देख लेते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा नहीं आज़ाद हुआ था, यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा हुआ था। 1961 में विजय ऑपरेशन द्वारा गोवा आज़ाद होता है। यहाँ पर ईसाई की अधिकता बहुत ज़्यादा है। कैथेड्रल चर्च है यहाँ का, बहुत फेमस है। गोवा पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मुरमुगांव बंदरगाह है, इसकी राजधानी पणजी है। बीच वगैरह बहुत है फेमस है, जो पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।